आपके यहाँ मकान की क्या समस्या है? हम शुरू ही से हैं, मतलब 15 साल से अलग रह रहे हैंगे। पहले हम सास ससुर के साथ रहते थे, जब से हम अलग भाए हैं, जब से जो झोपड़ा दाव गया हमें, और हमारी जाय स्थिति नहीं है कि हमको बना सके सुधार सके। जिला सागर पूर्वी आउटोरी सुबेदार वार्ड 39 में रहने वाली सोनम बाल्मीक जो मकान की समस्या से इतनी ज़्यादा परेशान है, जो टूटे फूटे मकान में रहती है, अपने 4 बच्चे पति और ससुर के साथ रहती है, जो हमेशा मकान ही नहीं बल्कि अपने परिवार की स्वास्थ्य को लेके भी समस्याओं से जूझ रही है। काम क्या करते हैं? हम नगर निगम में करते हैं। आपकी पेमेंट क्या है? हमारी करीब 5500 रुपये। तो उसका आप क्या करती हैं? हमारे अभी 2-2.5 साल पहले डिलीवरी भाई है, बच्चे की स्थिति थोड़ी इतनी खराब है कि 2500 रुपया हम प्रति माह चला जाता है, और 4 बच्चे हैं हमारे, तो हमें उनकी पढ़ाई लिखाई के साथ भी देखना पड़ता है। आपके पति क्या करते हैं? अभी नहीं करते। इसमें आप कैसे गुजारा करती हैं? वो हमारे मकान पिछली साल जो बल्ली टूट गई थी, तो उसमें झेका लगा है, मतलब एक लकड़िया लगी है, उसी में रहते हैं, जैसे बनता है तो कर लेते अपना गुजारा। अभी आपके पास कैसा मकान है? अभी जो कच्चा मकान है, झोपड़ी ही टाइप की है, ऊपर खपरा डाले। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि जो मकानों की समस्या है वो निगम स्तर पे उन पात्र लोगों को जो बीपीएल सूची से जुड़े हुए हैं और इतने सालों से इन्हें जो जमीनों का पट्टा नहीं मिला, ये जवाबदेही सरकार की है कि उन्हें 3 साल के बाद पट्टा देने का प्रावधान है, जो आज तक उन्हें नहीं मिला। आप सभी से मेरी अपील है कि फोन कर दबाव बनाए। दबाव के लिए अधिकारी जी हैं रघुवीर सिंह जी, जो CMO नगर पालिका परिषद हैं, जिनका फोन नंबर है 89-66-90-81-64। फोन कर अपना दबाव बनाए और बदलाव की कोशिश करें। मैं आरती बाल्मीक सागर जिला पूर्वी टोरी से इंडिया अनहट के लिए।